हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी कॉमिक वर्ल्ड में, जहाँ पर मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सीक्रेट वॉर का एक और एक्साइटिंग एपिसोड। और इससे पहले के एपिसोड आप देख सकते हैं मेरे दिए गए चैनल के प्लेलिस्ट पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैशटैग के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं एक हैमर को, और उस हैमर को कोई उठाने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि हम देख सकते हैं कि वहां पर एक और लड़का आता है, और उसके लिए वो एक टेस्ट था जो टेस्ट उसे पास करना था। कोई उसे कहता है कि आगे बढ़ो और वो लो जो तुम्हारे फेवर में है। और जैसे ही वो हैमर पर हाथ रखता है, वो उस हैमर के लिए वर्दी हो जाता है और एक थंडर के साथ उसका एक नया जन्म होता है। और जैसे ही वो हैमर उठाता है, तभी थॉर, जो कि एक ओल्ड थॉर था, वो उसे कहता है कि तुम अब उनमें से एक हो जो कि गॉड के लिए एक आर्मी है। तुम इस हैमर के साथ हमारे भाई बन चुके हो और उस समुद्र में पैर रख चुके हो जो कि तुम्हें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देने वाली है। और यह हैमर तुम में और उन बाकी सब में डिफरेंस है जो कि इसके काबिल नहीं थे, और तुम ऑल फादर के अब से सर्वेंट बन चुके हो। और जैसे ही वो अपने हैमर को उठाता है, उसके साथ बाकी के थॉर्स अपने हैमर को उठाकर जस्टिस चिल्लाते हैं। और तब वो ओल्ड थॉर बताता है कि हमारा एक पर्पस है, वो पर्पस जिसके लिए हम जीते हैं, जिसके लिए सारे थॉर्स मरने को तैयार है, और वो पर्पस है ऑल फादर की ख्वाहिशें पूरी करना। लेकिन वो नया थॉर पूछता है कि आगे क्या करना है। तब उसे बताते हुए ओल्ड थॉर कहता है कि अपने गॉड के सामने झुको, ताकि हम आज से लेकर दुनिया के खात्मे तक पीस बनाए रख सके उनके लेबर बन के। और तब हम देखते हैं कि वो गॉड डूम है, गॉड एम्परर डूम, डूम गॉड, जहां पर उस नए थॉर को ओल्ड थॉर सब बातें समझा रहा था और एक एक करके उसके टेस्ट लिए जा रहे थे। और उसे पूछा जा रहा था कि तुम्हें पता है कि ये वर्ल्ड कैसे बना। तब वो उस वर्ल्ड की पूरी कहानी बताता है। या दूसरी तरफ किंगडम ऑफ पिटोपोलिस में कुछ एलियंस को कुछ अजीब भिड़ा था, और इस वजह से एलेक्स और उसके दोस्त उस जगह की छानबीन करने गए थे, जहां पर एक एलियन उनसे कहता है संभल कर जाना क्योंकि ग्रेविटी लेके दूसरी तरफ रिवर्स हो जाती है। और एलेक्स के साथ ड्रैगन मैन और उसका एक दोस्त भी था। यहाँ पर एलेक्स उस लेक में कूदता है और दूसरी तरफ निकलने के बाद उसे पता चलता है कि ग्रेविटी सचमुच में रिवर्स हो चुकी है। और जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है, तब उसे बहुत बड़े कंकाल नजर आते हैं। और तब वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि यह धरती गॉड डूम की बनाई हुई नहीं हो सकती, क्योंकि ये चीजें दफन है। इसका मतलब है कि ये चीजें पहले से ही वहीं पर थी। वो लोग आगे छानबीन करते हैं, तब उन्हें एक लाइफ राफ्ट दिखता है, और उन एलियंस से वो उसे और खोदने के लिए कहता है ताकि वो उस पूरे लाइफ राफ्ट की जांच कर सके। यहाँ पर थॉर अपने उस नए थॉर को लेकर एक काम को अंजाम देने के लिए जा चुका था। उसे काम दिया गया था कि बार सिनिस्टर जाकर सिनिस्टर नाम के एक विलन को गॉड डूम के सामने पेश करना था, और वो ऐसा करता भी है। वो उस बार सिनिस्टर से सिनिस्टर को लेकर वहां से निकल जाता है गॉड डूम का कैसल, जहां पर दुनिया खाने वाला सेंटिनल एक गार्ड बनकर उस कैसल डूम की रक्षा कर रहा था, जहां पर एक हाई कोर्ट था और जिसके थ्रोन पर गॉड डूम खुद बैठा था, और वो बना हुआ था द वर्ल्ड ट्री से। यहां पर सिनिस्टर खड़ा था गॉड डूम और उसके लॉयर के सामने, जो कि और कोई नहीं बल्कि आई ऑफ अगामोटो का रक्षक, जो कि अब शेरिफ ऑफ अगामोटो बन चुका था, और वही अब लॉ था, और वही उस पर लगे हुए सारे इल्जाम उसे बताता है और एक एक करके उसके इल्जामों की गिनती करवाता है। लेकिन सिनिस्टर उन इल्जामों को मानने से साफ इनकार कर देता है। तब नया रिक्रूट हुआ थॉर अपने ओल्ड थॉर से पूछता है कि क्या ऐसे ही फैसला होता है, ऐसे ही सब लोगों पर फैसले थोपे जाते हैं। तब वो बताता है ये फैसला थोपे जाने का नहीं, बल्कि ये फैसला सबकी सहमति से हुआ है। और तब वो बताता है
यहाँ पर बाकी के सभी कंट्रीज और सभी देशों के राजा जो कि अपने अपने देशों से यहाँ पर आए थे इस सुनवाई के लिए, उन सभी के सहमति से ही ये फैसले लिए जाते हैं। यहाँ पर सिनिस्टर इल्जामों को मानने से मना कर देता है और तब कैप्टन ब्रिटेन के भाई को उसकी बीवी के ऊपर से टॉन्ट मारता है और तब ये देखकर वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन फिर भी वो गॉड उनके सामने कुछ नहीं करते। लेकिन सिनिस्टर उनके गुस्से का फायदा उठाकर छोटे भाई को चैलेंज करता है और फाइट के लिए बुलाता है। कैप्टन ब्रिटेन को पता था कि सिनिस्टर को हराना इतना आसान नहीं है और ये सही भी था। उसका छोटा भाई एक वार में उसके सर के टुकड़े कर देता है और इस वजह से वो खुश भी हो जाते हैं। लेकिन ऑडियंस में बैठा हुआ मास्टरो कहता है अगर सिनिस्टर को मारना इतना ही आसान होता तो हो चुका था सब कुछ। और तभी वो देखते हैं कि सिनिस्टर बिना अपने सर के उठ खड़ा होता है और कैप्टन ब्रिटेन के भाई को पीटने लगता है और उसे अधमरा करके वो उसे मारने जा ही रहा था कि तभी डूम उन दोनों को रोकता है और सबको अपने सामने घुटने पर आने के लिए कहता है। और आगे भी बताता है कि हायर एवेलॉन के सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं और अब से वो किंगडम ऑफ मैनहटन के नीचे काम करेगा और एक साइलेंट चेंबर की तरह वर्क करेगा। और वो आगे ब्रायन से पूछता है कि जो ढूंढ को चाहिए वो तुम्हें पता है, हिडन सिटाडेल कहाँ पर है? तब वो बताता है कि मुझे नहीं पता और ये सुनकर वो गुस्से में उसे मारने के ऑर्डर्स निकालता है। लेकिन तभी कैप्टन ब्रिटेन कहता है कि उसे नहीं मुझे, मुझे पता है कि वो कहाँ पर है। ये सुनकर डूम गुस्से में आ जाता है और उसकी पूरी फैमिली को मारने के लिए कहता है, लेकिन तभी सुजन उसे समझाती है कि मर्सी दिखाओ और तब वो सिर्फ कैप्टन ब्रिटेन को द शील्ड के पास ले जाने के लिए कहता है और उसकी पूरी फैमिली को छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर वलेरिया ये देखकर शेरिफ से कुछ बात करना चाहती थी। वो शेरिफ से कहती है कि आपको पता है कि हम दोनों किंग के राइट और लेफ्ट हैंड है और हम दोनों के बिना ये दुनिया बनना नामुमकिन था। हम दोनों वो पार्ट्स है जो कि डिस्कवरी और डूम दोनों बन सकते थे। और वो उसे एक ऑब्जेक्ट दिखाकर कहती है कि जो यूटोपोलिस में खुदाई के दौरान मिला था ये उसका एक टुकड़ा है और ये हमारे वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता। और वो उसे अपनी पूरी रिपोर्ट दिखा रही थी कि तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी रिपोर्ट पढ़ के कहता है कि ये सब कुछ यहीं पर छोड़ दो और मैं जानता हूँ कि तुम बहुत होशियार हो वेलेरिया। और वो उस चीज को क्वारंटाइन करने के लिए ऑर्डर निकालने के लिए कहता है। द शील्ड पर जहाँ पर कैप्टन ब्रिटेन आ चुका था और वो अपने उस पनिशमेंट के लिए तैयार था। द शील्ड और कुछ नहीं बल्कि 250 फीट ऊंची और 16,000 माइल लंबी एक पूरी दीवार थी जो कि गॉडडूम के कैसल और उसकी पूरी एम्पायर को किसी अनजान खतरे से दूर रख रही थी। यहाँ कैप्टन ब्रिटेन अपने पूरे तैयारी के साथ नीचे कूदने के लिए तैयार था और थॉर उसे पूछता है क्या तुम्हें आखिरी बार कुछ कहना है। तब कैप्टन ब्रिटेन कहता है हाँ, जब वो तुम्हें खींचने के लिए नीचे से ऊपर आने की कोशिश करें तो उन्हें खींचने मत दो बल्कि कूद जाओ ताकि तुम उनमें से कईयों को अपने साथ ले जाओ जब तुम मरो। और वो अपने तलवार के साथ नीचे कूद जाता है और अंधेरे में कुछ आवाजें उसे सुनाई देती है। तब वो देखता है कि आगे और कोई नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज थे जो कि सुपर हीरोज रह चुके थे। ये मार्वल ज़ॉम्बीज थे जो कि इंकर्जन के बाद बने बैटल वर्ल्ड में उसने शील्ड के नीचे रोक कर रखे थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अनाइलेशन वेव को पैदा करने वाले कुछ ड्रोन्स भी वहां पर थे, लेकिन ये दोनों अल्ट्रॉन एआई के कंपैरिजन में कुछ नहीं थे जो कि इवॉल्व हो रहा था हर एक दिन और वो उस एम्पायर को डाउन करने की कोशिश में थे। कैसल डू जहाँ पर शेरिफ ऑफ आगामोटो उस पूरी जगह को जो कि इटोपोलिस में मिली थी उसे क्वारंटाइन करने के लिए कहता है और ये काम वो ओल्डर थॉर को सौंपता है और थॉर अपने काम पर निकल पड़ता है। वो उस चीज को क्वारंटाइन करने ही वाला था कि तभी उसके लाख मना करने के बावजूद भी एक एलियन उस स्पेसशिप को छू लेता है और जिस वजह से वो स्पेसशिप ओपन होता है और जैसे ही वो अंदर देखता है वो उन दोनों को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन एक स्पीयर उसके आर पार हो चुका था। तब वो उसे कहता है कि भाई उड़ो और जाओ और गॉडरूम और शरीफ से कहना कि हमें यहाँ पर मौत मिली है। और तभी वो नया रिक्रूट थॉर वहां से उड़कर चला जाता है, लेकिन ओल्डर थॉर उन भालों के चपेट में आ चुका था। और तब हम देखते हैं कबाल को
जो कि उस लाइफ राफ्ट में से बाहर आ चुकी थी। यहाँ पर बाहर आने के बाद उस एलियन को पकड़कर थानोस पूछता है कि ये जगह कौन सी है, तुम इस जगह को क्या कहते हो। तब वो बताता है कि ये डूम वर्ल्ड है जो भरोसेमंद और गद्दारों दोनों को एक एक चांस देने के लिए बना हुआ है। कुछ लोग उसे कहते हैं गॉड की किंगडम और हम लोग इसे कहते हैं बैटल वर्ल्ड। तो इसी साथ आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।